नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 12 सितंबर। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी आज दरभंगा हवाई अड्डे का लेंगे जायजा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी आज दरभंगा पहुंचने वाले हैं, जहां पहुंचकर वो हवाई अड्डे में चल रहे रनवे और टर्मिनल निर्माण के कामकाज का जायजा लेंगे। यहाँ सब कुछ सामान्य रहा तो दरभंगा से हवाई सेवा की शुरुआत जल्द हो जाएगी। इस हवाई सेवा को लेकर जिले वालों में भी लंबे समय से इंतजार किया है, लेकिन अब इंतजार की घड़ी समाप्त होने वाली है। 12 सितंबर यानी कि आज केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी दरभंगा हवाई अड्डे में चल रहे टर्मिनल निर्माण के कामकाज का जायजा लेने दरभंगा पहुंचने वाले हैं। मैट्रिक 2022 के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बीते दिन से हुई शुरू। बिहार बोर्ड ने 9वीं में पढ़ रहे विद्यार्थियों जो कि मैट्रिक 2022 में शामिल होने वाले हैं, उनके लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख जारी कर दी है। जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा सभी स्कूल को इसकी जानकारी दे दी गई है, जिसके तहत 10वीं कक्षा के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 10 सितंबर से शुरू हो चुकी है, जो कि 28 सितंबर तक जारी रहेगी, जिसमें राज्यकृत अल्पसंख्यक प्रोजेक्ट, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय 10वीं में पढ़ने नियमित और स्वतंत्र विद्यार्थी शामिल होंगे। इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.biharboard.online पर जाकर ली जा सकती है। जीएनएम स्टूडेंट यूनियन ने परीक्षा की मांग को लेकर स्वास्थ्य मंत्री के घर के बाहर किया विरोध। जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी यानी कि जीएनएम स्टूडेंट्स यूनियन ने परीक्षा की मांग को लेकर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के आवास पर बीते दिन विरोध किया है। जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी कोर्स के अंतिम वर्ष के स्टूडेंट इस विरोध का हिस्सा बनते देखे गए। छात्रों का कहना है कि सरकार समय पर परीक्षा नहीं ले पा रही और नतीजा जारी नहीं कर रही है। सरकार समय पर परीक्षा करवाए और नतीजे को समय पर जारी करे, ताकि हम अपने आने वाले भर्तियों में आवेदन आसानी से कर सके। आपको बता दें, बिहार सरकार ने आने वाले दिनों में नर्सिंग क्षेत्र में 4000 नियुक्तियों की घोषणा की, और यही कारण है कि अंतिम वर्ष के छात्र परीक्षा और नतीजों को लेकर विरोध कर रहे हैं। बिहार फाउंडेशन ने की ऑक्सीजन बैंक की शुरुआत। बिहार फाउंडेशन की तरफ से शुक्रवार को ऑक्सीजन बैंक की शुरुआत कर दी गई है। बिहार विधान परिषद के सभागार में विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने इसका शुभारंभ किया। इस मौके पर बिहार फाउंडेशन के कार्यकारी पदाधिकारी अशोक कुमार सिन्हा सहित कई लोग मौजूद दिखाई दिए। बिहार फाउंडेशन की तरफ से ऑक्सीजन की शुरुआत हो जाने से 200 सिलेंडर उपलब्ध करवाए जाएंगे, जिसके लिए मोबाइल नंबर भी जारी किया जाएगा, जिसमें लोग संपर्क करके माहौल में ऑक्सीजन सिलेंडर ले सकते हैं। इसके साथ ही कोई भी व्यक्ति 9020774400 पर कॉल करके ऑक्सीजन सिलेंडर कोविड-19 के माहौल में मंगवा सकते हैं। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या पहुंची 1,55,000 के पार। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते दिन पिछले 24 घंटे में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 1710 नए मामलों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद बिहार में संक्रमितों की संख्या 1,55,445 पर पहुंच गई है। अगर हम प्रभावित जिलों की संख्या की बात करें तो अररिया में 62, अरवल में 6, औरंगाबाद में 45, बांका में 20, बेगूसराय में 34, भागलपुर में 90, भोजपुर में 12, बक्सर में 15, दरभंगा में 61, पूर्वी चंपारण में 37, गया में 34, गोपालगंज में 207, जमुई में 18, जहानाबाद में 16, कैमूर में 4, कटिहार में 82, खगड़िया में 5, किशनगंज में 30, लखीसराय में 42, मधेपुरा में 22, मधुबनी में 53, मुंगेर में 12, मुजफ्फरपुर में 89, नालंदा में 38, नवादा में 16, पटना में 211, पूर्णिया में 66, रोहतास में 30, सहरसा में 55, समस्तीपुर में 33, सारण में 30, शेखपुरा में 36, शिवहर में 11, सीतामढ़ी में 32, सिवान में 22, सुपौल में 50, वैशाली में 24, पश्चिम चंपारण में 54। वहीं कोविड-19 से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते दिन शाम 4 बजे तक जारी किए गए अपडेट के अनुसार कुल मिलाकर 1,39,458 मरीज ठीक हो चुके हैं, वहीं 797 लोगों की जान जा चुकी है। कृषि मंत्री ने कुदरा में बने बीज गोदाम का बीते दिन किया उद्घाटन। कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने बिहार राज्य बीज निगम द्वारा कैमूर के कुदरा में बनाए गए नवनिर्मित गोदाम का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बीते दिनों उद्घाटन किया है, जिसकी लागत राशि 34.68 करोड़ बताई गई है। इस दो बड़े गोदाम की बीज भंडारण क्षमता लगभग 1,800 मीट्रिक टन बताई गई है। पटना कृषि विभाग के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में कृषि विभाग के सचिव डॉक्टर एन श्रवण कुमार और कृषि विभाग के निदेशक आदेश तितमारे भी मौजूद दिखाई दिए। इसके साथ ही बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड ने बीज के QR कोड की शुरुआत की है, जिससे कि अब आसानी से पता लगाया जा सकेगा कि कौन सी बीज किस समय में बोई जा सकती है। रामविलास पासवान ने अपने बेटे को दिया यह स्पष्ट संदेश। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार में 143 सीटों पर जब से उतरने का फैसला लिया है, तब से राजनीति जोर शोर से देखने को मिल रही है। इसी बीच पिता रामविलास पासवान ने भी उनके फैसले का समर्थन किया है, जिसके तहत उन्होंने अस्पताल में रहने के दौरान एक भावुक संदेश जारी किया है, जहां उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि चिराग न केवल उनकी सेवा कर रहे हैं, बल्कि इस परिस्थिति में पार्टी की जिम्मेदारी भी बखूबी निभा रहे हैं। चिराग के सभी राजनीतिक फैसले का समर्थन करने की बात भी उन्होंने कही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि चुनाव के सभी राजनीतिक फैसलों का समर्थन बिना विचलित किए हम करेंगे।
आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे अभिमन्यू सिंह की। बॉलीवुड से लेकर भोजपुरी सिनेमा में अपने अभिनय के जरिए नाम कमाने वाले अभिमन्यू सिंह का जन्म बिहार के गया जिले में 20 सितंबर 1975 को हुआ था। उन्होंने अपनी पढ़ाई दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से पूरी की थी। 1997 के बाद से लगातार वो एक्टिंग की दुनिया में सक्रिय नजर आए हैं। उन्होंने अपना पहला फिल्म साल 2001 में किया था, जो उनको राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने बतौर निर्देशक बनाया था। हालांकि उन्हें उनका पहला ब्रेक साल 2009 में गुलाल फिल्म के लिए मिला, जो कि अनुराग कश्यप ने बनाई थी। इसके लिए उन्हें स्टारडस्ट अवार्ड से भी नवाजा गया था। इतना ही नहीं, उन्हें बुक्का रेड्डी के किरदार के लिए भी काफी सराहा गया था। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने कई टीवी सीरियल में भी काम किए हैं, जिसमें स्वाभिमान, सैटरडे सस्पेंस समेत कई सीरियल के नाम शामिल है। बिहार सरकार पुस्तकालयाध्यक्षों को जल्द देगी पीएफ का लाभ। बिहार में शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों को भविष्य निधि की सुविधा देने का फैसला बिहार सरकार ने ले लिया है और अब इस दिशा में शिक्षा विभाग ने काम करना शुरू कर दिया है और माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को चिट्ठी भी जारी कर दी गई है। हालांकि पीएफ का लाभ पाने के लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी कि यूएएन की जरूरत होगी और पीएफ के बिहार झारखंड क्षेत्रीय कार्यालय में शिक्षा विभाग से 30 सितंबर तक सभी कार्यरत शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी जानकारी की मांग की गई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जाएंगे दरभंगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज दरभंगा पहुंचने वाले हैं, जहां पहुंचकर वो दरभंगा के मखाना अनुसंधान केंद्र में मखाना किसान से संवाद करने वाले हैं। इसी क्रम में दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने दरभंगा के मखाना अनुसंधान केंद्र का निरीक्षण कर लिया है। उन्होंने कहा है कि मखाना के विकास हेतु एनडीए सरकार सदैव तत्पर रही है। अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री काल में मखाना के विकास हेतु राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र की स्थापना मिथिला के केंद्र दरभंगा में हुई थी। लालू यादव की जमानत पर फिर टला फैसला। राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत पर एक बार फिर से फैसला टल गया है। अभय चारा घोटाले के चाईबासा कोषागर में अवैध निकासी के मामले में सीबीआई कोर्ट ने लालू को 5 साल के लिए सलाखों के पीछे भेज दिया था। जमानत याचिका दायर करने के बाद उन्होंने सलाखों के पीछे रहने के आधे समय को गुजार लिया है, इस कारण जमानत मिलनी चाहिए का दावा किया है। जबकि सीबीआई की तरफ से कहा गया है कि अभी आधा समय पूरा नहीं हुआ है। इसके बाद अदालत ने सुनवाई 9 अक्टूबर को निर्धारित कर दी है। राजद कांग्रेस और रालोसपा से कई विधायक और नेता जदयू में हुए शामिल। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर नेताओं और विधायकों के फेरबदल का सिलसिला जारी है। मिली जानकारी के अनुसार राजद कांग्रेस और रालोसपा के कई नेताओं ने नीतीश कुमार के आस्था जताते हुए जदयू ज्वाइन कर लिया है। सभी को पार्टी सांसद ललन सिंह ने सदस्यता दिलवाई है। जदयू में शामिल होने वालों की बात करें तो राजद के पूर्व मंत्री भोला रॉय, कांग्रेस विधायक पूर्णिमा यादव, कांग्रेस विधायक सुदर्शन, रालोसपा प्रवक्ता अभिषेक झा का नाम शामिल है। जेपी नड्डा और नीतीश कुमार ने फोन करके बीमार रघुवंश प्रसाद सिंह से की बात। रघुवंश प्रसाद सिंह के राजद को इस्तीफा देने के बाद सभी राजनीतिक दलों में दिलचस्पी उनमें दिखाने लगे हैं। इसी क्रम में भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी एम्स में भर्ती रघुवंश प्रसाद सिंह को फोन करके उनका हालचाल लिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे द्वारा फोन लेने पर बातचीत करने की भी पुष्टि की गई है। खबरों की माने तो रघुवंश प्रसाद सिंह के राजद से इस्तीफे की घोषणा के बाद एनडीए के बड़े नेता उनसे लगातार संपर्क में है। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव को लेकर जारी किया जरूरी निर्देश। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग पूरी सतर्कता के साथ काम कर रही है। इसी क्रम में चुनाव को ध्यान में रखते हुए अति संवेदनशील बूथ पर सुरक्षा की खास व्यवस्था करने का फैसला भी सुनाया गया है। निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी को अति संवेदनशील बूथों को चिन्हित करने का निर्देश दिया है, ताकि वहां सुरक्षा व्यवस्था की जा सके। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार के कार्यालय के अधिसूचना सूत्रों की माने तो चुनाव पूर्व संवेदनशील बूथों पर चिन्हित करने के लिए आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार मानक निर्धारित किए गए हैं। इन मानकों के आधार पर ही आने वाले बूथों को क्रिटिकल अथवा अति संवेदनशील बूथ माना जाएगा। नीट परीक्षा को लेकर डीएम कुमार रवि ने की अहम बैठक। जिलाधिकारी कुमार रवि ने अध्यक्षता में नीट 2020 परीक्षा के सफल और शांतिपूर्ण आयोजन सुनिश्चित करवाने के लिए अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक का आयोजन करवाया गया था। साथ ही बैठक में जरूरी दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं। बैठक में 13 सितंबर को 184 परीक्षा केंद्रों पर लगभग 72,000 परीक्षार्थी द्वारा अपने अभिभावकों के साथ परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने की बात कही गई थी। परीक्षा के सफल आयोजन पर परीक्षार्थियों के लिए यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करवाने के लिए आवश्यक निर्णय लिए गए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और संजय राउत के खिलाफ मुजफ्फरपुर हाई कोर्ट में मामला हुआ दर्ज। कंगना रनौत मामले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और संजय राउत के खिलाफ बिहार के मुजफ्फरपुर कोर्ट में मामला दर्ज करवा दिया गया है। 17 सितंबर को सीजेएम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी, जिसमें कोर्ट यह तय करेगा कि उद्धव और रावत के खिलाफ मामला चलेगा या नहीं। मुजफ्फरपुर के पक्की सराय चौक निवासी सामाजिक कार्यकर्ता ने यह मामला दर्ज करवाया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और संजय राउत पर कंगना के खिलाफ गलत बयानबाजी करने के खिलाफ यह मामला दर्ज करवाया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर देंगे 901 करोड़ की योजना की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 294 करोड़ की योजना के सौगात के बाद एक बार फिर से बिहारवासियों को बड़ा सौगात मिलने वाला है। मिली जानकारी के अनुसार 13 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार को 901 करोड़ रुपए की कई योजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं। इस परियोजना में पारादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन परियोजना का, दुर्गापुर बांका अखंडता का विस्तार और 2 LPG बॉटलिंग संयंत्र शामिल है। इसके साथ ही इंडियन ऑयल द्वारा निर्मित 193 किलोमीटर लंबे दुर्गापुर बंगला पाइपलाइन खंड पारादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन विस्तार परियोजना का एक हिस्सा भी है, जिसकी लंबाई 634 किलोमीटर है। पाइपलाइन पश्चिम बंगाल, बिहार के और झारखंड से होकर गुजरती है। पटना पहुंचे जेपी नड्डा, आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कर सकते हैं मुलाकात। बीते दिन जेपी नड्डा राजधानी पटना पहुंच चुके हैं, वहीं उनके राजनीतिक कार्यक्रम के शुरुआत वहीं से आज होने वाली है, जिसके तहत आज वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर सकते हैं। आपको बता दें, बीते दिन एयरपोर्ट पहुंचने के बाद प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने उनका स्वागत किया था, जिसके बाद आज सुबह 9 बजे वो पटना देवी मंदिर के लिए रवाना होंगे। उसके बाद 12 बजे पार्टी दफ्तर में पदाधिकारियों के साथ चुनावी तैयारी की समीक्षा करेंगे। चिराग पासवान के बगावती रवैये के बीच में भाजपा और जदयू की यहां मुलाकात कई कारणों से अहम मानी जा रही है, जिसके बाद सीट शेयरिंग पर फाइनल डील होने की संभावना भी जताई जा रही है। जदयू कार्यालय के बाहर एक बार फिर शुरू हुई पोस्टरबाजी। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सूबे में बेरोजगारी का मुद्दा चुनावी मुद्दा बनकर उभरता जा रहा है। राजद पहले इस मुद्दे को लेकर लगातार सरकार को सवालों के घेरे में डालती आई है, वहीं इसी बीच जदयू के ऑफिस के बाहर पोस्टरबाजी का सिलसिला शुरू हो गया है। जदयू दफ्तर के बाहर बीते दिन 15 सवालों वाला पोस्टर लगाया गया है। इस पोस्टर को राष्ट्रीय छात्र एकता मंच से लगाया गया है। इस पोस्टर में लिखा गया है कि 15 साल में नीतीश के युवाओं में 15 सवाल। 15 सवाल के पोस्टर में छात्रों ने दरोगा पेपर लीक की सीबीआई जांच क्यों नहीं करवाई गई और बिहार में कोई फैक्ट्री क्यों नहीं लगवाई गई, इन सवालों पर जोर दिया है। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने चुनावी मैदान में उतरने से पहले राजद की हार सुनिश्चित होने की कही बात। राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह ने पार्टी को जैसे ही इस्तीफा दिया वैसे ही बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है। इसी क्रम में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने भी राजद को निशाने पर लिया है, जिसके तहत उन्होंने राजद को कौरव की संज्ञा देते हुए और रघुवंश प्रसाद सिंह को उस दल का कर्ण बताया है। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह एक गलत पार्टी में अच्छे आदमी की तरह रहे। राजद के कौरव दल में महारथी कर्ण थे, उन्हें ना रोक पाने का लालू प्रसाद की पार्टी ने अपनी पराजय सुनिश्चित कर ली है। नए चुनावी नारे के सहारे चुनावी मैदान में उतरेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। मतदाताओं को लुभाने के लिए पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। इसी क्रम में जदयू ने भी वोटर से वोट मांगने के लिए दफ्तर के बाहर पोस्टर लगा दिया है। पोस्टर में लिखा गया है, नीतीश में विश्वास, बिहार में विकास और बिहार के नाम नीतीश के काम, जैसे स्लोगन लगा दिए गए हैं। आपको बता दें, कोविड-19 के माहौल में आयोजित होने वाले चुनाव में बड़ी रैलियों का आयोजन नहीं करवाया जा रहा है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल प्रचार के लिए नारों का सहारा ले रहे हैं। कांग्रेस ने आजाद समेत 4 महासचिव को किया जिम्मेदारी से मुक्त। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शुक्रवार को पार्टी संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए गुलाम नबी आजाद समेत 4 वरिष्ठ नेताओं को महासचिव की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया है और पार्टी की सर्वोच्च नीति निर्धारक इकाई कांग्रेस कार्य समिति का भी पुनर्गठन किया है और नई CWC में 22 सदस्य बनाए गए हैं, जिसमें 26 इन्वाइटी सदस्य और 10 स्पेशल इन्वाइटी सदस्य बनाए गए हैं। पार्टी के संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल की तरफ से जारी किए गए बयान के मुताबिक इन चारों को पद से मुक्त कर दिया गया है। हालांकि गौर करने की बात यह है कि संगठनात्मक कांग्रेस को बनाने की मांग को लेकर पत्र लिखने वाले 23 नेताओं में शामिल आजाद को महासचिव पद से हटाने के साथ ही CWC में स्थान दिया गया है। हार्दिक पांड्या ने वर्कआउट करते हुए शेयर की तस्वीर। IPL का शेड्यूल जारी हो चुका है, वहीं टूर्नामेंट की शुरुआत मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के साथ होने वाली है, जो कि 19 सितंबर को खेलने वाले हैं। इसके साथ ही इसी बीच मुंबई इंडियंस के ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या ने जिम में वर्कआउट की 2 तस्वीर शेयर की है। हार्दिक पांड्या इन दोनों तस्वीर में काफी फिट और शेप में नजर आ रहे हैं। उनकी इस तस्वीर पर साथी खिलाड़ियों और फैंस ने जमकर कमेंट भी किया है, क्योंकि इन दोनों ही तस्वीर में हार्दिक पांड्या काफी ज्यादा फिट नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, हार्दिक पांड्या फिलहाल अबुधाबी में मुंबई इंडियंस ट्रेनिंग कैंप में अभ्यास में जुटे हुए हैं, जहां वो अधिकांश समय जिम में ही गुजारते हैं। कपिल शर्मा के शो में जल्द ही नजर आएंगे भोजपुरी एक्टर रवि किशन और मनोज तिवारी। कपिल शर्मा एक बार फिर से अपनी पूरी टीम के साथ अपने लोकप्रिय शो द कपिल शर्मा के नए एपिसोड के साथ दर्शकों के बीच में आने वाले हैं। वहीं कोविड-19 के माहौल के बाद शुरू हुए कपिल शर्मा के शो में रिकॉर्डिंग में करने संबंधी गाइडलाइन का सख्त पालन किया जा रहा है। इसके साथ ही शो में इस वीकेंड भोजपुरी सिनेमा और सुपरस्टार रवि किशन और मनोज तिवारी शिरकत करने वाले हैं। यह पहली बार होगा जब किसी शो में दोनों एक साथ नजर आने वाले हैं, जहां पर मौके पर उत्साह का माहौल होने वाला है और आपसी तालमेल साफ नजर आएगा। वहीं रवि किशन और मनोज तिवारी भी हंसी मजाक में इजाफा करने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हैं।
एप्पल भी ला सकता है फोल्डेबल स्मार्टफोन। सैमसंग की तर्ज पर अब एप्पल भी जल्द ही फोल्डेबल स्मार्टफोन को लॉन्च कर सकता है। साझा की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक बड़ी मात्रा में सैमसंग ने फोल्डेबल डिस्प्ले सैंपल के तौर पर एप्पल खरीदने वाली है। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब सैमसंग से एप्पल डिस्प्ले लेगी। इससे पहले भी एप्पल सैमसंग से OLED पैनल खरीद चुकी है। आपको बता दें सैमसंग ने अब तक 2 से ज्यादा फोल्डेबल डिस्प्ले वाले स्मार्टफोन को लॉन्च किया है और हाल ही में कंपनी ने गैलेक्सी Z Fold 2 भी लॉन्च किया है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है कमलेश कुमार, विकी राज, सनी कुमार महतो, रविंद्र कुमार, चांद बाबू, अमित कुमार, दीपक कुमार, रविंद्र पासवान, समथिंग इंटरेस्टिंग, कैलाश कुमार, रीना कुमारी, विकास कुमार, रवि मल्होत्रा, अजय राज, सत्येंद्र यादव, सौरभ कुमार, राम पुकार, शशि भूषण कुमार, राजीव रंजन, राजेश कुमार रंजन। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार बिहार भाजपा के हस्तक्षेप के बाद जदयू और लोजपा के बीच जारी राजनीतिक कलह पर पूर्ण विराम लगेगा या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।